लोकसभा चुनाव 2024 खत्म होने के बाद अब बारी उत्तर प्रदेश में राज्य की कई विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की है। कई सीटों पर विधायकों के इस्तीफे के बाद राजनीतिक दलों ने कई स्तर पर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें करहल विधानसभा सीट भी शामिल है। करहल से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव विधायक थे। वो 4 जून को खत्म हुए लोकसभा चुनावों में कन्नौज लोकसभा सीट से निर्वाचित हुए। सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने करहल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अखिलेश के इस्तीफे के बाद अब ये सीट खाली हो गई है। कुछ महीनों में चुनाव आयोग यहां पर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर सकता है। नियम के मुताबिक सीट खाली होने के 6 महीने के भीतर चुनाव कराना होता है। ऐसे में इन सबके बीच समाजवादी पार्टी इस सीट से किसको उम्मीदवार बनाएगी, इस बात की चर्चाएं जोरों पर है। जब अखिलेश ने करहल सीट से इस्तीफा दिया था उस वक्त मैनपुरी के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव के प्रत्याशी होने का दावा किया जा रहा था। तेज प्रताप को ही सपा ने कन्नौज से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया, हालांकि बाद में उनकी जगह अखिलेश को कैंडिडेट घोषित कर दिया गया। अब करहल उपचुनाव की रेस में 2 नए नाम भी जुड़ गए हैं। सूत्रों का दावा है कि इस लिस्ट में शोभनन यादव और डॉक्टर ज्योति यादव का नाम भी चल रहा है। राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चाओं की माने तो अगर तेज प्रताप किसी कारण से इस सीट से चुनाव नहीं लड़ पाते हैं तो शोभनन यादव या डॉक्टर ज्योति यादव को मौका मिल सकता है। करहल सीट की बात करें तो साल 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को 67,504 मतों से मात दी थी। इस सीट पर बसपा के उम्मीदवार कुलदीप नारायण को महज 15,701 वोट ही मिले थे, तो अखिलेश ने 1,48,196 वोट हासिल कर जीत दर्ज कर ली थी। गौरतलब है कि कन्नौज से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अब अखिलेश यादव केंद्र की राजनीति करते नजर आएंगे। दरअसल सपा के लोकसभा सांसदों की संख्या बढ़कर 37 पहुंच गई है। राजनीतिक जानकारों की माने तो इतने सांसद को एक साथ जोड़े रखने के लिए अखिलेश यादव का उनके बीच रहना बहुत जरूरी है। पार्टी में किसी तरह की टूट और बिखराव की संभावनाओं को पनपने नहीं देने के लिए भी संसद में उनका रहना अहम है। अखिलेश के सांसद रहने से सपा कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास बना रहे, क्योंकि उनका नेता देश की संसद में है। बता दें कि सपा के 2019 में 5 सांसद थे, जिसके चलते लोकसभा सदन में सपा को किसी मुद्दे पर बोलने के लिए चंद मिनट का ही टाइम मिलता था। लेकिन अब 37 लोकसभा सांसद होने के चलते सपा को सदन में टाइम भी ज्यादा मिलने वाला है। ऐसे में अखिलेश यादव को अपनी बात रखने का पर्याप्त समय मिलेगा और अच्छी तरह से अपनी बातों को रख भी पाएंगे। अखिलेश के समर्थन में सपा के 37 सांसद एक साथ खड़े नजर आएंगे। इस तरह अखिलेश यूपी के साथ साथ देश के मुद्दों को भी सियासी धार देते नजर आ सकते हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।